आप देख रहे हैं जेके न्यूज टुडे और मैं हूं रमन सैनी। और अब एक खबर जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस खबर को देखकर आप निश्चित रूप में, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के वासी हैं, वो थोड़ा सा हैरत जरूर होगा उनको, क्योंकि आर्टिकल 370 को लेकर जो उनको एक सुरक्षा मिलती थी जमीन्स को लेकर, वो उसी से जुड़ी हुई ये खबर है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 185 ऐसे नॉन लोकल्स हैं, यानी कि बाहर के रहने वाले हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी है। ये जानकारी आज जो MOS होम नित्यानंद राय हैं, मिनिस्टर नित्यानंद राय, उन्होंने राज्यसभा के अंदर ये पूरा जानकारी जो है वो दी है, संसद भवन के अंदर ये जानकारी दी है। एक सवाल के जवाब में लिखित उन्होंने आंसर जो है वो अपना जो है वहाँ पर रखा है, और उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 सालों में 2019 से जब से धारा 370 का एब्रोकेशन हुआ है और जो जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट किया गया है, तब से लेकर अब तक कुल 185 लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी है, जिनमें से अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है जिसने 2020 में जमीन खरीदी थी, और उसके बाद 57 ऐसे लोग थे जिन्होंने 2021 में जमीन खरीदी है, और 127 लोग जो हैं जिन्होंने 2022 में जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदी है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना था, उसी के साथ साथ में लद्दाख को भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, और वहां का भी धारा 370 जो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ था, उसे भी स्क्रैप कर दिया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर अभी तक ना किसी व्यक्ति ने, बाहरी व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, और ना ही वहां पर किसी तरीके का बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट अभी तक वहां पर लाया गया है। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें तो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 310 ऐसे कंपनीज थी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि 175 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने 2021 और 2022 के अंदर जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके साथ साथ में 1074 कंपनीज, जानकारी के मुताबिक यह बताया गया है कि 2022 और 2023 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट लद्दाख की तरफ पर देखा जाए तो लद्दाख में इन्वेस्टमेंट भी बाहर से जो है वो पूरी तरीके से सिफर है, जीरो है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से जमीन की अब खरीद फरोख जो है शुरू होगी, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो लोकल लोगों को उठाना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप में जब कोई बदलाव आता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आती हैं, लेकिन यहीं पर ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में जहां 185 लोगों ने अभी तक पिछले 3 सालों में ज़मीनें खरीदी हैं, कुछ बाहर से कंपनीज आई हैं जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, और कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। LG मनोज सिन्हा लगातार इस बात को लेकर अपना सीना चौड़ा करते रहते हैं कि हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट लाई है, हमने यहां पर दृष्टता लाई है, हमने यहाँ पर बाकी चीजें भी लाई हैं। उसके साथ साथ में यह जम्मू कश्मीर का विकास जो है वो लगातार अग्रसर हो रहा है। धारा 370 जो एक बाधा थी, उस बाधा के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ में बाहर के लोग भी जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर सेटल हो रहे हैं। अभी तक तो बात आर्मी की और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज की चल रही थी, लेकिन अब बाहर से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर जमीन खरीदना शुरू कर चुके हैं। और ये सीधे तौर पर जानकारी जो है सरकारी डाटा है, ये सरकार के हिसाब से जो देश के MOS होम है, नित्यानंद राय MOS होम मंत्री हैं वो खुद केंद्र में, उन्होंने राज्यसभा के अंदर एक लिखित बयान जारी करते हुए लिखित आंसर दिया है, और उस आंसर में ये सारा डाटा जो है वो मौजूद है। तो निश्चित रूप में जिस तरह से बताया जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि धारा 370 होने के बाद धीरे धीरे अब बाहर के लोग भी जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन की खरीद फरोख में शामिल होंगे, लोगों के मन से आतंकवाद, अलगाववाद, इन सब चीज़ों का डर निकल जाएगा, और लोग यहाँ पर यहाँ की तरक्की, यहाँ की उन्नति में भागीदार बनने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो वही कोशिश अब साफ यहाँ पर नजर आ रही है कि लोग कहीं ना कहीं अब जम्मू में, खासतौर पर अभी जम्मू में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद कश्मीर घाटी में भी जमीन खरीदने की कोशिशें जो हैं वो आगे होंगी, ताकि वो लोग यहाँ पर आकर अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पर कर सकें, यहाँ पर चला सकें, और जम्मू कश्मीर को और ज़्यादा तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने में लेकर अपनी भी भागीदारी कहीं ना कहीं दे सके। तो बाकी के इन खबरों के लिए आप बने रहें JK News Today के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।